खुमानवी क्षेत्र के बम पंचायत के अंतर्गत आने वाले कोटलुक गांव के देवराज पुत्र उद्यम राम ने प्रशासन के रवैये से परेशान होकर अमर अनशन पर बैठने का निर्णय लिया है। देवराज का कहना है कि वह प्राइवेट नौकरी कर अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहते हैं। उनके द्वारा बनाया गया पुराना मकान गिरने की कगार पर है तथा नया मकान नंबर खसरा 280/42 गांव कोटलू में बनाया गया है, परंतु गांव में बलदेव रतन अमरनाथ लालचंद पुत्र पंछीराम मेरे मकान के एक कमरे तथा उत्तरी दिशा की दीवार को अपनी मलकियत जमीन में होने का दावा करते हैं, जिस वजह से मेरे मकान में खिड़कियां तक नहीं लगने दे रहे हैं। इसके लिए वह मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। इस झगड़े को खत्म करने के लिए निशानदेही के लिए आवेदन किया था, परंतु पिछले 6 से 7 सालों के उपरोक्त भी लोग विभाग से मिले हुए हैं और निशानदेही नहीं दे रहे हैं। मैंने कई बार महोदय के कार्यालय में भी आवेदन किए हैं, इसके बावजूद भी पिछले काफी सालों से विभाग के कर्मचारी निशानदेही नहीं दे रहे हैं। विभाग के निशानदेही ना देने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ रहा है तथा बरसात के इन दिनों में खिड़कियां ना होने की वजह से मच्छर और सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े घर के अंदर आ रहे हैं। अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया है। विभाग की तरफ से लगातार मिल रही हार से परेशान होकर दुखी मन से देवराज ने निर्णय लिया है कि जल्द ही वह कार्रवाई नहीं की गई तो वह अपनी पत्नी सहित ग्राम पंचायत बम्ब उप तहसील भराड़ी जिला बिलासपुर के प्रांगण में आमरण अनशन पर बैठेंगे। यदि इस दौरान उनकी पत्नी बेटी व किसी भी परिवार के सदस्य की मौत हो जाए तो इसके लिए जिला प्रशासन व हिमाचल प्रदेश सरकार जिम्मेदार होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री को डाक सहित प्रतिलिपि भेजी गई है तथा पुलिस विभाग डीएसपी गुवारमी एसएचओ पुलिस स्टेशन भराड़ी एसडीएम गुवारमी नायब तहसीलदार भराड़ी प्रधान ग्राम पंचायत बम जिला पार्षद सुभाष ठाकुर व विधायक गुवारमी राजेंद्र गर्ग को सीधे स्वयं जाकर प्रतिलिपि दी गई है। उप तहसील भराड़ी अफसर कानगो हेमराज का कहना है कि नायब तहसीलदार भराड़ी का पद पिछले काफी दिनों से रिक्त होने की वजह से अमरण अनशन पर उन्हें का पत्र सौंपा गया है। पिछले काफी दिनों से काम का चार्ज कुमारमी तहसीलदार द्वारा देखा जा रहा है। जैसे ही वो ऑफिस में आएंगे तो उन्हें इस विषय को लेकर अवगत करवाया जाएगा, तभी इसके विषय में कुछ कहा जा सकता है। बम पंचायत प्रधान अंजना कुमारी का कहना है कि दोनों परिवारों के झगड़े को लेकर आज तक पंचायत में किसी तरह की कोई शिकायत पत्र नहीं आया है तथा बम पंचायत के आंगन में आमरण अनशन पर बैठने की बात को पूरी तरह नकारा है। पंचायत स्तर पर इसके लिए मंजूरी नहीं दी गई है। कि जो नलका तोड़ा गया और जो छज्जा तोड़ा गया वो हमारी जमीन में पाया गया, 280/42 में पाया गया। उसके बाद एसडीएम कुमारमी ने इनकी अपील को सबमिट कर लिया कि ये इसमें कमियां हैं तो इसको भी दिन 2 महीने दें। अब एसडीएम साहब ने 2 महीने का ऑर्डर दिया कि इसको दोबारा 2 महीने के दें। उसके बाद मैंने एसडीएम साहब के चार पांच साल कितने चक्कर लगाए, उन्होंने इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब मैं थक गया 4-5 साल के बाद, उसके बाद मैंने आरटीआई से एसडीएम साहब से मांगा कि क्या आप अपने ऑर्डर को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो एसडीएम साहब ने बोला जी कि हम अपने, मेरी उसमें हियरिंग हुई दोबारा, तो हियरिंग में उन्होंने बोला कि जी इस डिमार्केशन को भी दिन 4 डेज दिया जाए। ये लास्ट ईयर पिछले साल 13/6/2017 का फैसला है कि जी 4 दिन के अंदर दें। हमने 4 दिन के अंदर, आज एक साल हो गया दोबारा। जब हमने दोबारा उनके साथ उनके पास गए तो उन्होंने बोलते हैं जी ठीक है हम करवा देते हैं, आना कानी कर रहे हैं, प्रशासन आगे पीछे मिला हुआ है दूसरी पार्टी से।